नमस्कार दोस्तों, दीप्तिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोमोज बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ और ये मैं स्टीम्ड और फ्राइड दोनों बनाऊंगी। आप इनको दोनों को ही ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि। ये मैंने बंद गोभी चॉप कर लिया था, ये गाजर चॉप की हुई है और ये मैदा है और ये शिमला मिर्च चॉप कर ली थी मैंने, अदरक भी चॉप कर ली थी। ये थोड़ा सा घी लिया है, ये एक चम्मच मैदा, काली मिर्च, बेसन, नमक और कॉर्नफ्लावर लिया मैंने। और ये पानी है, अब मैदा लिया है, इसका हम डो लगाएंगे। अब इसमें घी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, और पानी से डो लगाएंगे। पानी थोड़ा ही रखेंगे, आटा थोड़ा हार्ड ही रखेंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्राइड मोमोज बनाने पर ये थोड़े क्रिस्पी होने चाहिए, तो डो भी हमारा थोड़ा हार्ड ही रहे तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि मैदा बहुत एकदम से गीला ना हो जाए। इस तरह से हमारा डो ये तैयार है। बहुत थोड़े पानी का यूज़ किया है मैंने इसमें। अब हम इसको एक गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे। अब हम पैन चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे। अब इसमें रिफाइंड चावल डाल देंगे थोड़ा सा, अब इसमें चॉप अदरक डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसमें एक चम्मच करीब मैदा, बेसन, इन दोनों को डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे फिलिंग जो हम करते हैं उसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और मोमोज जो फैल से जाते हैं वो फैलेंगे नहीं। ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें गाजर, इसको भी डाल के फ्राई कर लेंगे और शिमला मिर्च, इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें काली मिर्च डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें,
सब्जियां सारी अच्छी तरह से पक गई हैं। अब इसमें एक चम्मच करीब कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। पूरा फिलिंग का हमारा बनके तैयार है। अब हम आटा इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से बीट कर लेंगे इसको। और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से ये एक ही साइज के सारे पीसेस में कट हो गए। अब हम इनको पूड़ी की तरह से इसको लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे नीचे, और ना बहुत मोटा रहे पूड़ी की तरह से, ना बहुत पतला हो, गोल पूड़ी के ही फॉर्म में इसको बेलेंगे। अब इसकी फिलिंग करेंगे। करीब एक चम्मच इसमें डाला है मैंने, और इसको ये देखिए इसकी फिलिंग का शेप देने के लिए देखिए इसको इस तरह से किया मैंने, ओवरलैप करते जाएंगे इसको हम, ये देखिए इसका शेप देने का तरीका यही होता है। ये देखिए इस तरह से मोमोज का शेप आ जाएगा, अभी देखिएगा तो एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाएंगे। देखिए कितना सुंदर शेप आया मोमोज का। तरीके से एक और आपको दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से शेप देना है आपको। मेन प्रॉब्लम हमारी इसके शेप के ही आती है, जो कि इस तरह से आप करेंगे तो बहुत अच्छा शेप आएगा। देखिए ये सारे देखिए मोमोज हमारे तैयार हैं। अब हम इनको स्टीम देंगे। ये पैन में मैंने पानी डाल दिया है, 2 कप करीब पानी डाला है इसमें, और ट्रे को ग्रीसिंग कर देंगे। अब इसमें मोमोज थोड़ा थोड़ा गैप के साथ में सेट कर देंगे। और दोस्तों जो मोमोज हमको स्टीम करने हैं वो हम करीब 10 मिनट तक करेंगे, और जो फ्राई करने हैं उनको करीब 5 से 7 मिनट तक हाफ स्टीम देंगे उनमें। ये देखिए ये मैंने निकाल दिए हैं फ्राई करने वाले, इनको थोड़ा सा हम ठंडा कर देंगे उसके बाद फ्राई कर लेंगे, और ये फुल स्टीम वाले हैं। ये देखिए ये पैन में ऑयल गरम हो गया है, अब इनको फ्राई करेंगे।
बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये फ्राइड मोमोज, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइए और खिलाइए बच्चों को। ये देखिए फ्राई हो रहा है, ये जब क्रिस्पी होने लगे, गोल्डन ब्राउन होने लगे, तब ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे स्टीम और फ्राइड दोनों मोमोज तैयार हैं चटनी के साथ में, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।